और ये है होटल की एंट्री। इसके जो दरवाजे पे कैसे हाथी जैसे इतने अच्छे लगाए हुए हैं। अंदर डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, वॉल्स पे बड़ा अच्छा पेंट किया हुआ है, कलरफुल सोफे भी बहुत अच्छे हैं, और साथ में कृष्ण जी के आगे इन्होंने गेंदे के फूल रखे हुए हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और सफाई तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही अच्छा माहौल है। और ये फैसिलिटीज़ हैं होटल के अंदर, रेस्टोरेंट बार है, डॉक्टर भी बुला सकते हैं, कैमल सफारी भी करवाते हैं। ये है इसके अंदर जो बार बनाया हुआ है उन्होंने, और अंदर इनके एक तो दरवाजे बड़े अच्छे लगे मुझे, कलरफुल शीशे के दरवाजे हैं, और अंदर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। वॉल पे डेकोरेशन तो इन्होंने कमाल की हुई है, आप देख सकते हो एक मोटरसाइकिल रखा हुआ है, और ये जो घोड़े पे बैठना होता है ना उसके ऊपर वो रखते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और ये एक और मोटरसाइकिल बनाया हुआ है। अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है, लाइटिंग बहुत अच्छी है बार की, एंड आपको यहाँ पे हर तरह की ड्रिंक्स मिल जाएंगी। कॉरिडोर्स बने हुए हैं, और ये जो खिड़कियाँ बड़ी पसंद आई मुझे, जैसे खिड़कियाँ खुलती हैं जैसे सामने है ना वैसे, और नीचे आप देख सकते हो डाइनिंग एरिया है, एंड ये जो जाल सा बना हुआ है ना ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और बीच बीच में जो इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हैं, पिक्चर्स लगाई हैं राजस्थान की, यहाँ के आर्ट की, वो तो बस क्या बताएं। और यहाँ पे फोटोग्राफी करने का तो बड़ा मज़ा आता है आपको, आप एंड तक ज़रूर देखना, एंड में हमने कुछ फ़ोटोज़ लगाई हैं, बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ्स आती हैं यहाँ पे। ये है हमारा रूम, और मैं हूँ आपका दरबान मैडम जी। रूम्स आप देख सकते हैं कितने खुले डुले हैं, ये इनका बैठने का सिस्टम बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और हमने फैमिली रूम लिया है, वॉशरूम्स भी अच्छे हैं, और ये साथ में है दूसरा कमरा, खलारा तो हमने बहुत डाल दिया है ऑलरेडी। रूम्स बहुत खुले हैं, अच्छे हैं, क्लीन हैं, आउटडेटेड नहीं लग रहे। ये एक अलमीरा है, और ये मिरर है, टीवी भी लगाया हुआ है ना इन्होंने, और एक वॉशरूम इस रूम में भी है, और जो बीच में डोर कनेक्ट करता है वो डोर लॉक भी हो जाता है, और ये इन्होंने खिड़कियां लगाई हुई हैं बाहर व्यू के लिए। सुबह सुबह हमारे साथ बीटी हो गई, लोल हो गई हमारे साथ, क्या हुआ पूजा? हेलो भैया। जेडी जेडी गजनेर पैलेस जाना था हमने, हम सुबह सुबह तैयार होकर निकले, उनको फोन किया, कहते आज तो बंद है गजनेर पैलेस, आज हमारे यहाँ पार्टी है, और उनकी पार्टी है रॉयल फैमिली की, 200-300 बंदा आएगा, और वो किसी को पैलेस नहीं देखने देंगे, और आज हमने जैसलमेर जाते वक्त गजनेर पैलेस देख के जाना था, क्योंकि वो रास्ते में आता है, तो इसलिए हमारी जैसी गलती मत करें, अगर आपने भी जाना गजनेर तो पहले पूछ लें। अभी हम ब्रेकफास्ट छोड़ के आए थे होटल सागर में, और अभी हम फिर वापस जा रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर आते हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि गजनेर में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, पूड़ियां और आलू खाने जा रहे हैं। नहीं मे भी आज अलग होगा, हाँ ये भी हो सकता, और हमारे भाई ने तो कहते हैं आत लगा दी, फोन लगा के गजनेर वालों को, हेलो भैया हम टूरिस्ट हैं, हमने घूमना है, एक बार दोबारा दोबारा, पहला पैसे दो मेरे, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, हेलो भैया,
पूरा बोलो ना जिदा बोलिया बोलना तो कहते हेलो भैया हम टूरिस्ट हैं, हमने घूमना है, क्या चार्जेस है? काम खत्म काम खत्म तो चलो एनीवे अभी हम वापस जा रहे हैं फिर से हम वापस जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने होटल सागर में, देखते हैं आलू पूड़ियां मिलती है कल की तरह या क्या मिलता है। तो अभी हम होटल पहुंचे और उसको सारा कुछ सच सच बता के पूछा भी हम कपड़े चेंज कर ले, रूम की चाबी दे रहे तो मेरे, क्योंकि मैं तो ऐसे यू नो थोड़े गर्म कपड़े डाले थे क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है, तो मैंने सोचा था कि बार में चेंज कर लेंगे वहां पे, बट अभी हम पहले कपड़े चेंज करेंगे। और वो कहता कि ब्रेकफास्ट भी करके जाना, तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ा कि हम ब्रेकफास्ट करना भूल गए थे, गलती से ले गए। मुझे लगता है हमें नजर लगी जो हम व्हाट्सएप और स्नैपचैट पे पोस्टें डाल रहे हैं ना, वो नजर लगी हमें, इसीलिए हमारे साथ मारी हुई गंगे। वो ही एक बहुत सुना के जनेर पैलेस का, और फोटो भी देखी हमने, लेक साइड व्यू है, लेक साइड व्यू था कि पिक्चरें खींचेंगे। अभी देखते हैं कि वापस फिर इधर से निकलेंगे दोबारा से। हाँ। और देख के जाएंगे उसे। Yep.